जय श्री राम दोस्तों, तो जय श्री राम। आज कर मन पर मंदोदरी आगे बुरी शीशा धरी सर चले जहां जगदीशा पर भी से सब निशंक मुंजाई देख सुरन दुंदु भी बजाई। रावण की भुजाओं और सिरों को मंदोदरी के सामने रखकर राम बाण वहां चले चले जहां जगदीश्वर श्री राम जी थे। सब बाण जाकर तरकश में प्रवेश करके ये देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। तासु तेज समान प्रभु आनन हर्ष देख शंभु चतुरानन जय जय दुनिपुरी ब्रह्मंडा जय रघुवीर बरवल्लभ जडंडा। रावण का तेज प्रभु के मुख में समा गया। ये देखकर शिवजी और ब्रह्मा जी हर्षित हुए। ब्रह्मांड भर में जय जयकार की ध्वनि बज गई। प्रबल भुजंडों वाले श्री रघुवीर जी की जय हो। वर्षी सुमन देव मणि वृंदा जय कृपाल जय जय ति मुकुंदा। देवता और मुनियों के समूह फूल बरसाते और कहते हैं कृपालु की जय हो, मुकुंद की जय हो, जय हो। जय पीपा कंद मुकुंद दंद हरन सरन सुख प्रद प्रभो कल दल बिदारन परम कारण अरुणीक सदा विभो सुर सुमन वर्षी हर्ष संकुल बाज दुंदु बिगे गही संग राम अंगन राम अंग अनंग बहु शोभा लही। हे कृपा के कंद, हे मोक्षदाता मुकुंद, हे द्वंद्व के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले प्रभु, हे दुष्ट दल को विभेदन करने वाले, हे कारणों के भी परम कारण, हे सदा करना वाले, हे सर्वव्यापक विभो आपकी जय हो। देवता हर्ष में भरे हुए पुष्प बरसाते हैं, गमागम नगाड़े बज रहे हैं। रणभूमि में श्री रामचंद्र जी के अंगों ने बहुत से कामदेवों की शोभा प्राप्त की। सिर जटा मुकट पर सून बिच बिच अति मनोहर राज ही जनु नील गिरि पर तड़ित पटल समेत उड़गन राज ही भुज दंड सर को दंड फेरत रुदिर कन तन अति बने जनु राय मुनि तम माल पर बैठी विपुल सुख आपने। सिर पर जटाओं का मुकुट है जिसके बीच बीच में अत्यंत मनोहर पुष्प शोभा दे रहे हैं। मानो नीले पर्वत पर बिजली के समूह सहित नक्षत्र सुशोभित हो रहे हैं। श्री राम जी अपने भुजदंडों से बाण और धनुष फिरा रहे हैं। शरीर पर रुद्र के कर्ण अत्यंत सुंदर लगते हैं। मानो तमाल के वृक्ष पर बहुत सी लल मुनियां चिड़ियां अपने महान सुख में मगन हो हुए निश्चल बैठी हों। कृपा दृष्टि करी दृष्टि प्रभु अबे किए सुरबिंद बालुकीस सब हर्षे जय सुख दाम मुकुंद सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय श्री राम। मंगल भवन मंगल हरि प्रभु मेरे प्रभु राम जय श्री राम। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा दृष्टि की वर्षा करके देव समूह को निर्भय कर दिया। बानर बालू सब हर्षित हुए और सुखदाम मुकुंद की जय हो ऐसा पुकारने लगे। पति सिर देखत मंदोदरी मूर्छित विकल धरनी खसी परी युवती बृंद रोवत उठिदाई तही उठाए रावण वहीं आई। पति के सिर देखते ही मंदोदरी व्याकुल मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। स्त्रियां रोती हुई उठ पड़ी दौड़ी और मंदोदरी को उठाकर रावण के पास आई। पति गति देखी ते करी पुकारा छूटे कचन हिंद पुष्य संवारा उड़ताड़ न करी विधि नाना रोवत करी प्रताप बखाना। पति की दशा देखकर वह पुकार पुकार कर रोने लगी। उनके बाल खुल गए, देह की संभाल नहीं रह गई। वह अनेकों प्रकार से छाती पीटती है और रोती हुई रावण के प्रताप का बखान करती है। तब बलनाथ दोलम नित दरनी तेजहीन पावक शशि तरनी शेष कमठ सही सकी नवारा सो तनु भूमि परिऊ बरिशारा। वह कहती हैं ए नाथ, तुम्हारे बल से पृथ्वी सदा कांपती रहती थी। अग्नि चंद्रमा और सूर्य तुम्हारे सामने तेजहीन थे। शेष और कश्यप भी जिसका बाद नहीं सह सकते थे। वही तुम्हारा शरीर आज धूल में भरा हुआ पृथ्वी पर पड़ा है। वरुण कुबेर सुरेश समीरा रन सन मुख दरी काहुन दीरा बुजबल जी तेहु काल जम जय साई आज परि अनाथ किनाई। वरुण कुबेर इंद्र और बाजू इनमें से किसी ने भी रन में तुम्हारे सामने धैर्य धारण नहीं किया है। स्वामी तुमने अपने बुजबल से काल और जमराज को भी जीत लिया था।
बही तुम आज अनाथ की तरह पड़े हो। जगत विदत तुम हरि प्रभुताई सुत परि जन्म बल वर्णि न जाई। राम विमुखस हाल तुम्हारा रहा न कहो कुल रोव निहारा। तुम्हारी प्रभुता जगत भर में प्रसिद्ध है। तुम्हारे पुत्रों और कुटुंबियों का बल का हाय वर्णन ही नहीं हो सकता। श्री रामचंद्र जी के विमुख होने से तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई कि आज कुल में कोई रोने वाला भी ना रह गया। तब बस विधि पर पंच सब नाथा सबे दिसिप नित नावि माता। अब तब सिर बुझ जम्बुक खाई राम विमुख जे अनुचित नाही। हे नाथ विधाता की सारी सृष्टि तुम्हारे वश में थी। लोकपाल सदा व्यवीत होकर तुमको मस्तक निभाते किंतु हाय अब तुम्हारे सिरों भुजाओं को गिद्दड़ खा रहे हैं। राम विमुख के लिए ऐसा होना अनुचित भी नहीं है। काल विवश पति कहा न माना अग जग ना तुम मनुज कर जाना। हे पति काल के पूर्ण वश में होने से तुमने किसी का कहना नहीं माना। ओ चराचर के नाथ परमात्मा को निश करके जाना। भोल सियावती राम चंद्र की जय। भवन सुत हनुमान।